हेलो फ्रेंड्स, तो मुझे स्टार्ट करुच्ची ब्लॉग माने सन्धार रह टे तो टे चा बन पीबी तापर पी डिनर बनवी टुकटुक टे पाठपढ़ा देखी कौन टे खुआई तो पुणी एगेन काम सब ठीक अच्छे चलते जीवा स्टार्ट करवा। हाँ देखले देखले मो झी को एबे 4+ इयर्स माने 5 इयर्स कंप्लीट हो अक्टोबर मसरे आठ आम हैदराबाद रे हस्बैंड मो झी रोच बहुत ही छोट फैमिली आमर तापर टुकटुक एबे जो एज रे अच्छे सब बड़े सांग दरकार सब बड़े एंगेज रहा दरकार किंतु एठी तार किए भी सांग ना घर पाखापाखी तो से आम सहित तो इनलॉज किंबा फैमिली मेंबर्स किए भी रोना तो से मु सब ट्राए करी मुझ जहाँ भी करुच्ची भी इनवल्व करवाई जमीक से केबे भी एकला फील न करूँ जितेबले से टीवी देखे किंबा पाठ पढ़ु थाए कि ड्रॉइंग करू थाए कलरिंग करू थाए से टाइम तो अलग टाइम बाकी टाइम जितेबले खाली ही थी तो से जिनस मन भितर को न आसू कि से बहुत ही एकला हो जाऊँ बोली तो मोर काम पछे लेट हो जाओ कि किसी भी हो जाओ मुझे स्ट्रेस भी फील करे बट मुझे इनवल्व कराए जमती भी हो पछे तार पापा थिले भी ता सहित तो से टाइम स्पेंड करती तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो तार पापा घरे रहंती नी तो से बड़े से मो सहित टाइम स्पेंड करे तो चा पीवा सरीगला एवं आसली मुझे एक्चुअली मतलब कस्टर्ड बनवर अच्छे सहित मुझे कैबेज परटा बनवि आमर डिनर पर पाठ पढ़ा भी देखियार अच्छे तो टाइम हूँ 7:30 तो 9:30 भितर मतलब ये कम कम्प्लीट कर इनक्लूडिंग टुकटुक्र खाइबा भी तो बहुत सारा कम अच्छे जल्दी स्टार्ट करी ना सर पी एठी कस्टर्ड बनवाई मो हाफ लीटर मिल्क नौची आटा फुल क्रीम मिल्क अच्छे काउ मिल्क अच्छे यहाँ आ फुल क्रीम मिल्क रे ही कस्टर्ड बहुत ही बढ़िया लगे कारण से क्रीम जोटा थाए ना तो एकदम थिक पाला हुए कस्टर्ड तो टेस्टी भी लगे तापर मुझे क्याबेज परटा बनैबी से ये क्याबेज नहीं पूरा हाफ क्याबेज मु पकेबी नहीं देखी केते हो तो से हिसाब से मुझे तो आज मुझे ग्रेट करके करी आपरे फूड चॉपर थी फूड चॉपर रे भी आपने चॉप्ड करके नहीं पारे ना ग्राइंड करके भी छोट छोट खंड करके ग्राइंड करके भी करें तो ये मुझे ग्रेट करदेली आउ ग्रेट कर सारापर ना एवं मुझे पकेबी कौन कहले पियाज पियाज को एकदम चुन चुन कर काटिदेवी ता सहित तो मुझे नहीं कैप्सिकम आज मुझे लंका ए पकेबी नहीं कहीं झीक भी देवी ना तो से पकेले भी से खाइब सेमती किसी ना कहीं टिके टिके राग खाइबा भी अभ्यास आम कराइचु बट हेल्ले आज पकोनी मु कैप्सिकम को बहुत ही चुन चुन कर काटिदेवी एक्चुअली पनीर टिक्का जो होता तो से कैप्सिकम से दिन टिके टिके रही जाइला कहीं जानते पनीर टिक्का क्यूब सेप र कैप्सिकम दरकार तो जिते जी बढ़ी जाइला तो से रखी तो से सब काटिदेली आपने चाहिए से बीन्स भी बहुत ही छोट छोट कर काटि पक पारे गाजर को भी ग्रेट करके ना एमती फूड चप जो चपर भी चप करके भी पके पारे तो ये मो कड़ाई तेल पकईदेली आ जीरा पकईदेली आती पियाज और कैप्सिकम दुटा को पकईदेवी आटा को बस टिके भाजीदेवी एथेर मत ना लुहा कड़ाई खाइबा बनैले ना बहुत ही बढ़िया लगे टेस्ट भी लगे कितु गोटे जिनस थाए कि टमाटो खटा टाइप जिनस ए रोष करहबन ना पूरा ब्लाक आ गोटे कथा है कि रोष कर सारापर इमिडली डिश आउट करदेवार अच्छे ना भी कला हो तो ये मुझे टिके जिंजर गार्लिक पेस्ट आड करदेली गोटे छोट चमच ही पकई तो आड कलापर ना जस्ट 2-3 मिनिट ही मुझे भाजीदेवी खाली 2-3 मिनिट पर मुझे टिके हलदी गुंड सहित लंका गुंड आउ एठी मु टिके चिकन मसला आड करुची किंतु चिकन मसला जगह आपने सब्जी मसला नहीं पारे मीट मसला नहीं पारे कि चाहिए जीरा धनिया पाउडर भी एथरे आड करें तो ये सब कुछ भल भाव भाजीदेवी माने खाली जस्ट मिक्स करियार अच्छे कहीं गुंड मसला ना पोड़ तो ये जो ईटा को बंधाकोबीटा जो ग्रेट करके रखी से भी आड करदेवि और बंधाकोबी को भी बेसी समय तो ताको कुक करिया दरकार ना कहीं नॉर्मली से कंचा भी खिया जाए तो सेटा किसी दरकार ना खाली जस्ट मु मिक्स करदेवी हेले मुझे मेन इनग्रेडिएंट पकेबा भूली जाइटा है लुण तो लुण से स्वाद अनुसार मुझे मिसेदेवी ये स्टफिंगटा बहुत ही जल्दी हो जाए
आपण केबे भी एटा को घरे ट्राई करि परिबे आ एटा बहुत हेल्दी भी। तापर मु एथरे टिके होममेड गरम मसाला थिला सेटा टिके ऐड कली, बट एटा ऑप्शनल अछि, आपण चाहिले ऐड करि परिबे नहले न कले भी चलिबो। साइड रे भी रखी देवी थंडा हवा पाई, थंडा हला परे तार स्टफिंग दे परेटा बनेबा। तो स्टफिंग थंडा हला भितरे आमे अटा चकटी की तार डो बने दबा, जेमती नॉर्मली आमे सबुदिन रोटी पाई बनाउचे, तो सेमती ही मु पकेबी, माने सेमती ही डोटा बनेबी। तो साइड अटा चकटी की रखिला परे मोर एठी खीर फुटी गलानी पूरा भल भाव रे, तो एठी मु कस्टर्ड ऐड कर देबी। मु आधा लीटर खीर नहीं छी, सेति पई आपण देखि पड़थबे ए जो खाइबा स्पून ने मु 3 चम्मच नहीं छी कस्टर्ड पाउडर, आ सेटा को नॉर्मल टेम्परेचर रे थिपा खीर रे गोळे कि नहीं छी, कने गरम खीर रे सेटा पुनी माने लम्स रहि जिवो सेथरे, तो भल्ले मिक्स हबनी। तो नॉर्मल टेम्परेचर मिल्क रे सेटा को भल्ले कि मिक्स करी एबे खीर रे मिक्स कर देली। आउ एबे एथिरे 6-7 चम्मच चीनी मु ऐड कर देबे, आपण जेते कि मीठा खांदे तो से हिसाब रे चीनी कम बेसी करि परिबे। तो टिके समय फुटिला परे आपण एबे कस्टर्ड रा कंसिस्टेंसी देखि पड़थबे, तो ठंडा हला परे मु एटा को फ्रिज रे रखि देबे। पाखो को पाखो को हले हले ओ आ तपरे ई गुड गर्ल लिखो, ए लिखी दी ना पूरा कंप्लीट ना, ए तोर ए तोर पूरा कंप्लीट है जी ना जी, ऐ लिखु छु ऐसे पाठ पढ़ा सरला परे मु आसिली एबे परोटा बनिया पई। आ आज ना मु एकदम एम जो राउंड करके भितरे स्टॉपिंग फिल करके पुणी एमती कर माने ताको बंद करके ए टाइप रो प्रोसेस रे करबिनी, आज मु बहुत ही जल्दी रे अछि, कने टाइम ऑलरेडी 9:10 हेलानी आसी, आ टुकटुक को मते खुआई कि 10:30 भितरे ही ताको सुवाइबार अछि, सेति पई मु टिके जल्दी जल्दी करूची। टाइम कम थिले कौन करे ना, मो मोस्ट ऑफ द टाइम स्क्वायर नले रेक्टेंगल वाला पराठा बनाए, तो सेथिरे कौन हुए ना जल्दी जल्दी स्टफ्ड पराठा बनी जाए। तो आपने देखी पड़थिबे तो बड़ साइज रा एमती रोटी बने देली, आ ता भितरे ही मो स्टफिंग फिल कर देली, स्टफिंग को टिके स्प्रेड कर देली, तो बंद कर देली। आ ता परे टिके अटा लगे कि सेटा अल्प टिके बेली देबी खाली। जेबे भी स्टफिंग वाला परोटा बनेबे गोटे जिनसर ध्यान देबे कि स्टफिंग पूरा थंडा हवा दरकार, तापर ही बनेबे, नहले टिके भी गरम थिले ना परोटा पूरा खराब हो जिवो। तो तवा भी गरम हो गलानी, एबे सेथरे मु पके देली पास दी साइड को घी रे टिके सेकी देबी। नॉर्मली घी रे बनेले कोन होए ना ऊपर टिके क्रिस्पी हुए, जेबे स्टफ्ड वाला बनाए मु मोस्ट ऑफ द टाइम टिके घी रे बनी दिए, कहीं ना भितर स्टफिंग रा मॉइस्चर थिबा ऊपर क्रिस्पी थिले ना परोटा बहुत ही टेस्टी लगे। तो आज घी वाला बनाऊँ परोटा बनि सारे एवं जाऊँ टुकटुक खायापाई देदेवि। परोटा बनला बेलू ना झाड़ में मोर कुमकुम कड़ पड़ी, आ टुकटुक देवी चाखापाई, आ देखिया केमती लगुच परोटा। हाँ मुझे कि यहाँ पिज्जा पराठा बोली, कारण से देखला कि यहाँ प्लेन ना स्टफ वाला अच्छे, तो मुझे कहल कि यहाँ गोटे डिफरेन्ट टाइप पिज्जा पराठा, तो ताको पचार केमती लगुच। एक्चुअली मुना 4-5 बाइट खुआई सारे, कहीं बहुत जोर भोक लगुला, और सी आसिकी मो पाखे आसिक आँ करदेला, तो मुझे खुआईदेली। टुकटुक टुकटुक टिके पॉज करलु टीवी, जल्दी टिके पॉज कर। हाँ एबे पिज्जा पराठा खाइके कहलु केमती लगुच ते? डिलीशियस भल लगला ते? बहुत टेस्टी अच्छी, खाली बनेले भी खाइबु, लुण राग सब ठीक अच्छे। सतरे भल लगला ते कि मिछरे कहचो? ओइ सतरे सतरे टेस्टी। आज वीडियो को मुझे एंड करुँ, देखा आउ गोटे ब्लॉग रे। वीडियो टी भल लगी प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे और मोर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।